हर हर महादेव संग गौरा पार्वती ओम नमः शिवाय ओम गम गणपते। शिव जी के समस्त भक्तों उनके दूतों गणों को मेरा नमस्कार है। आज 41वां एपिसोड है, हम शिव महापुराण का पाठ कर रहे हैं जिसमें रुद्र संहिता का द्वितीय सतीखंड आज से शुरू होता है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है नारद जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी के द्वारा उनका उत्तर। सदाशिव से त्रिदेवों की उत्पत्ति तथा ब्रह्मा जी से देवता आदि की सृष्टि के पश्चात एक नारी और एक पुरुष का प्राकट्य। नारद जी बोले, महाभाग, महाप्रभु, विधाता, आपके मुखारविंद से मंगलकारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा जी नहीं भर रहा है, अतः भगवान शिव का सारा शुभ चरित्र मुझसे कही। संपूर्ण विश्व की सृष्टि करने वाले ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, महादेव जी ने विवाह का विचार कैसे किया, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, चेतनाकाश को प्राप्त होकर वे फिर हिमालय की कन्या कैसे हुई, पार्वती ने किस प्रकार उग्र तपस्या की और कैसे उनका विवाह हुआ, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सकी, महामते, इन सब बातों को आप विस्तार पूर्वक कहिए। आपके समान दूसरा कोई संशय का निवारण करने वाला ना है और ना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य तथा गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय है, तुम वह सब मुझसे सुनो। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निराकार, शक्ति रहित, चिन्मय तथा सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। फिर वे ही प्रभु सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। विप्रपर वे भगवान शिव दिव्य आकृति से सुशोभित हो रहे थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था, वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। मुनि श्रेष्ठ, उनके बाएं अंग से भगवान विष्णु, दाएं अंग से मैं ब्रह्मा और मध्य अंग अर्थात हृदय से रुद्रदेव प्रकट हुए। मैं ब्रह्मा सृष्टि करता हुआ भगवान विष्णु जगत का पालन करने लगे और स्वयं रुद्र ने संहार का कार्य संभाला। इस प्रकार भगवान सदाशिव स्वयं ही तीन रूप धारण करके स्थित हुए। उन्हीं की आराधना करके मुझ लोक पितामह ब्रह्मा ने देवता, असुर और मनुष्य आदि संपूर्ण जीवों की सृष्टि की। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की सृष्टि करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने को जब सबसे अधिक ऊंचा मानने लगा। मुने, जब मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलसत्य, अंगिरा, कर्तु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और प्रकु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न किया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई, जिसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती परंतु सायकाल में उसका रूप सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती साय संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती थी। सुंदर भावों वाली वह नारी सौंदर्य की चरम सीमा को पहुंची हुई थी और मुनियों के भी मन को मोह लेती थी। इसी तरह मेरे मन से एक मनोहर पुरुष भी प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग कटी प्रदेश पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थी, उसके अंगों से मतवाले हाथी की सी गंध प्रकट होती थी। नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाते थे, अंगों में केसर लगा था जिसकी सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर आया। जगत की सृष्टि करने वाले मुझ जगदीश्वर ब्रह्मा की ओर देखकर उस पुरुष ने विनय से कर्तन झुका दी और मुझे प्रणाम करके कहा। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूंगा, मेरे योग्य जो काम हो उसमें मुझे लगाइए, क्योंकि विधाता आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं, यह लोक आपसे ही शोभित हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, भद्र पुरुष, तुम अपने इसी स्वरूप से तथा फूल के बने हुए पांच बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में ये देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होंगे। तुम छिपे रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदा स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुष्पमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमत किए रहोगे। यह मैंने तुम्हारा कर्म बताया है जो सृष्टि का प्रवर्तक होगा और तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे इस बात को मेरे ये पुत्र बताएंगे। सुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर अपने पुत्रों के मुख की ओर दृष्टिपात करके मैं क्षण भर के लिए अपने कमलमय आसन पर चुपचाप बैठ गया। यह अध्याय पहला और दूसरा समाप्त होता है। जैसा कि हमने आज के इस एपिसोड में जाना कि ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की, उसके पश्चात उन्होंने एक स्त्री और पुरुष की रचना की जो सनातन धर्म के कार्य को आगे बढ़ा सके। अब इसके बारे में हम अगले एपिसोड में और जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव संग गौरा।